नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूँ आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। राजस्थान के नीम का थाना के नजदीक ग्राम रायपुर में और आसपास के इलाकों में पिछले ढाई साल से भैंस चोरी की, जो पशु चोरी की घटनाएं ज्यादा हुई हैं, और नीम का थाना एरिए में जो मवेशी चोरी गैंग है वो भी सक्रिय है, और उसी मामले को लेकर अभी ताजा घटना हुई थी रायपुर ग्राम में भी पशु चोरी की, उसको लेकर यहाँ लोग जुटे हैं। और हमारे साथ सुरेश मीणा जी हैं किशोरपुरा, और इनसे बात करेंगे, मीन सेना के प्रदेशाध्यक्ष हैं। बताएं क्या मामला है, क्यों आए हैं आज, क्या ज्ञापन दिया गया आपने, बिल्कुल क्या मांगे हैं आपकी, क्या मामला? हमारी मांग ये है कि सबसे पहले तो मैं नीम का थाना विधानसभा के लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, मैं जनप्रतिनिधि से पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर सरपंच बनते हैं, पंचायत समिति सदस्य बनते हैं, जिला परिषद सदस्य बनते हैं, यहाँ पर चेयरमैन बनते हैं, उप चेयरमैन बनते हैं, प्रधान बनते हैं, उप प्रधान बनते हैं, मैं उन सभी से पूछना चाहता हूँ कि ये बेचारे गरीब मजदूर किसान जिनके एक चोरी नहीं, दो चोरी नहीं, 18-20 नहीं, करोड़ों रुपए की चोरियाँ, अकेला भराड़ा गाँव एक ऐसा गाँव है जहाँ पर 50 भैंसे चोरी हो गई, भेड़ बकरियों की तो गिनती नहीं है, न्योरणा, डोकन, नीमोद आसपास के गांवों से अब तक की दर्जनों गौमाता की, दर्जनों भैंसों की और असंख्य अग्नि भेड़ बकरियों की। कुल मिला के नीम का थाना में जो गोवंश के तस्कर है वो भी सक्रिय हैं। नीम का थाना इलाके में चारों तरफ गैंग सक्रिय है। गांववाड़ी गणेशर इलाके में भी हमने पहले घटनाएं सुनी थी, उसी प्रकार से अब भैंस चोरी भी होने लग गई, पहले भी हुई थी, वही मामला है ये, आप बताएं। अब हमारी मांग ये है कि पाटन पुलिस का जो व्यवहार है, एक तरफ पुलिस परिवादियों की सुनने की बड़ी बड़ी दुआएं देती है, और वहां का कोई हौलदार बताया, एसआई बताया लक्ष्मण सिंह, उसकी देखिए उसने जो बिहेव किया परिवादी से, उसको कहते हैं कि मुकदमे लग जाएंगे, वो जब वो मुलजिम जब जेल से बाहर आएंगे तो देखना आपके साथ में क्या होगा। ऐसा मैं नहीं करा, ये परिवादी महेश मीणा बोल रहा, मतलब क्या धमकी दी आपको, हेड कांस्टेबल थे क्या? हेड कांस्टेबल क्या नाम था? पाटन थाने में, पाटन थाने में लक्ष्मण सिंह जी था, उसने बोला कल वो जमानत होकर के आ जाएगी लेडीज, 500 लोगों के मुकदमा लगाएगी जमानत, मतलब कि आपके जो भैंस चोरी हुई थी उस मामले में पुलिस, पाटन पुलिस ने 3 को गिरफ्तार कर दिया था। मैं आपको बता दूं बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, पाटन थानेदार जो है विक्रम सिंह उनसे बात की थी, 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई, लेकिन अब इसके बाद में इनको लक्ष्मण सिंह कौन है पाटन थाने में जो पुलिस कर्मी उसके द्वारा धमकी दी गई है, क्या बताए? उन्होंने बोला है कि भाई ये कल छूट के आएगी, 500 संतोष देवी, संतोष देवी नाम की जो महिला है आरोपी भैंस चोरी पशु चोरी के मामले में, वो पकड़ी गई थी पाटन थाने में, उसके साथ 2 युवक और पकड़े गए थे। और हाँ बताइए, काना राम था और एक महिपाल मेहरा था, एक संतोष देवी थी, इनको 3 को पकड़ लिया। हमारा यही काम है और आप जानो और कोर्ट जाने, उसने इन प्रकार की बात बताई। हम गरीब आदमी है, लक्ष्मण जी ऐसा ही साहब बोले कि यहाँ मेरे पास कोई भैंस नहीं, कोई बकरी नहीं, कोई और नहीं, कोर्ट जानो और तुम जानो, ऐसी बातें कर रहा था और धमकी दे रही थी हमारे लक्ष्मण सिंह जी। वो कल आ जाएगी वो जमानतों के, 500 लोगों को अंदर करवा देगी। तो मैं क्या करूँगा, हमारा साफ तौर पर अल्टीमेटम ये भी है, साफ तौर पर अल्टीमेटम यही है कि ये गरीब किसान पशुपालक अकेले नहीं है, अब हम सोए हुए थे ये लोग, हम जाग चुके हैं, और करोड़ों रुपए की जो चोरियां हुई हैं उन चोरियों को समय रहते बरामद नहीं किया गया, तो अगली बार, आज तो हमारा ये ट्रेलर है और अगली बार हम फिल्म बनाने आ रहे हैं, हजारों की संख्या में पाटन थाने का घेराव करेंगे, और आप समझ लीजिए आप या तो सुधार कर लीजिए, और जितने पाटन थाना इलाके में और सदर थाना इलाके में बरड़ा गांव के आसपास जितनी चोरियां हैं वो चोरियां बरामद नहीं हुई, मुलजिम सलाखों के पीछे नहीं गए। दूसरी बात, किसको कानून सिखा रहे हो आप? अरे जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया उन लोगों से आपने क्या बरामद की थी? अगर आप चाहते तो उनका पीसी लेते, रिमांड लेते, बात करते, तो क्या उनको चोरियां नहीं निकलती? लेकिन ये सब सारे समझ रहे हैं, हम सारे अनाज खाते हैं, कानून जानते हैं, और प्रोटेक्शन वारंट पे नहीं ला सकते आप। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए गरीब लोग हैं ये, इनके घर में फॉर्चूनर नहीं है,
कई लोग कल मेरे को फोन कर रहे थे कि यार सुरेश जी क्या आप चोरियों के लिए, अरे भाई साहब इनके लिए बकरियां 15-15, 20-20 हजार रुपए में बकरियां आती है। गरीब किसान को पूछो इस बकरी की कीमत, कितने बच्चे कितना परिवार पालते हैं बेचारे, पशुपालकों का जीवन खतरे में है, करोड़ों रुपए की चोरियां हो गई, हजारों की संख्या के अंदर भैंस मवेशियां चलेगी और उसके बाद में कहते हैं। तो मेरा तो निवेदन है कि यहाँ के आज ये जरूर मैं धन्यवाद दूंगा कि यहाँ के कलेक्टर महोदय मेरे को अच्छे लगे। कलेक्टर महोदय ने मेरे को बैठा के जो बात की और कलेक्टर साहब ने कहा कि मैं जब डीग में कलेक्टर था तो मेवाती लोग ऐसा करते थे, वहाँ चोरियां करते, तो एक गौ माता का एक अलग एक्ट है, उसमें उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बात की और उन्होंने चिंता व्यक्त की। और यार 2.5 साल के अंदर करोड़ों की चोरियां, भेड़ बकरियों की चोरियां, और अब तो सर्दी शुरू हुई है, ये तो बड़ा अन्याय है। तो कलेक्टर साहब को पता नहीं इस बात का, ये बड़ी बात है। तो मैं कह रहा हूँ कि सोए और डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग आइए और अगली बार अपने पाटन थाने का घेराव करेंगे। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को मुकदमे कटन नहीं होना चाहिए। और ये सुरेश मुंडा वचन देता है कि गरीबों की इस आपकी हक की लड़ाई में मैं अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। बिल्कुल, सुरेश मीणा जो किशोरपुरा है वो पहले भी जन आंदोलन में हिस्सा लिए हैं, काफी लोगों की मदद की है। और आज क्या मांगे थी ज्ञापन में आप? ज्ञापन में हमारी मांगे ये थी कि एक तो जितनी चोरियां हुई है उनको अंकित किया जाए और एक स्पेशल पुलिस टीम इन चोरियों के लिए लगाई जाए और ये जो चोर उचक्के हैं इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम करें इन पे निगाह रखी जाए और जितनी चोरियां उनकी एक लिस्ट बनाई जाए। और कुछ लोग पुलिस के भय के कारण बेचारे मुकदमे दर्ज कराने से कतरा रहे थे, तो मैं समझता हूं कि अभी तो 20% FIR है, 80% लोगों ने तो FIR दर्ज ही नहीं करा, इसलिए सब लोगों को आंदोलन करके और जो आसपास के इलाके में विधानसभा क्षेत्र में ये जो चोर सक्रिय है इस पे अंकुश लगाने के लिए रात की गश्तों और जितने चोर हैं इन चोरियों को जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया और इसे खुलासा करें। ये वाई वाई और ये ढोल नहीं पीटे कि हमने गिरफ्तार कर लिया, क्या हो गया गिरफ्तार कर लिया तो क्या बरामद किया आपने? अभी जो नामदर्ज महेश मिला है 7 भैंस और 6 गाय, एकमात्र गाय, और 40,000 रुपए की क्या करे, 40,000 रुपए ले लो, ये वो तो बेच दी। मेरे को लगता है कि वो बातें वो कटा भी सकते हैं आराम से। कुल मिला के ये चोरियां पशु चोरी जो सक्रिय हैं और इस इलाके में नीम का थाना पूरे क्षेत्र में ही, और नीम का थाना पुलिस को लगाम लगानी चाहिए, नकेल कसनी चाहिए, ये सभी लोगों का कहना है। कुल मिला के ये पशु चोरी हो गया, आप भी ग्रामीण सावधान रहें, अगर आपके एरिया में अगर इस प्रकार की चोरी होती है, कोई गैंग सक्रिय है, तो उसकी आप भी कमर तोड़े, कानून की भी सहायता लीजिए, अपने बूते पर भी काम करिए, कानून के बूते पर भी। धन्यवाद, देखते रहे झलको शेखावाटी। बताएं आप सर, जो ये मुजरिम है, जो मुजरिम है, गाय चोर है, भैंस चोर है, यही मुजरिम किसी गरीब किसान की केबल चोर ले गई। आज पुलिस वालों को यह पूछो कि तुम लाके दो 600 मीटर केबल कितने की आती है कॉपर की, पुलिस वालों को यह पूछो कि लाके दो, किसी की मोटरसाइकिल ले गए, किसी के पंखे ले गए, किसी की डीपी ले गए, यही मुजरिम आज उन मुजरिम को पुलिस साथ दे रही है। कहा था कानून है, कभी तेल का घी बना के बेचते हैं वो। सदर थाने के अंदर मैंने 4-5 FIR नोट करवाई है, बकरे भी ले गए, मेरे बकरी भी खो गई, मंदिर में भी चोरी हो गई, मकानों में भी चोरी हो गई, लेकिन आज तक सदर थाने ने किसी भी चोरी का कोई खुलासा नहीं किया। या तो ये पुलिस वाले उनसे चोरों से मिले हुए हैं या फिर इनके वो रिश्तेदार हैं, इसलिए किसी भी चोरी का कोई खुलासा नहीं कर रहे। बराड़ा गाँव से अकेले से किसी की 8 भैंस, किसी की 6 भैंस, किसी की 2 बकरे, किसी की 8 बकरियाँ, 2-2.5 साल से चुर रही है, करोड़ों से भी ऊपर ये संपत्ति इनकी मोल हो चुका है, लेकिन ये कोई भी इनकी इसके ऊपर कोई खुलासा नहीं हो रहा चोरियों का। बिल्कुल, पहले गौवंश की चोरी होती थी और अभी भी होती है, तस्करी होती है, अब गौ तस्करों ने भैंस पे भी हाथ डालना शुरू कर दिया, बकरियों पर भी, कहीं ना कहीं ये इंसानी जीवन के जो पशुधन है उनमें सेंध मारी जा रही है। इसको रोकने का प्रयास आम जनता भी करे और कानून भी करे, कानून पर दबाव डालने के लिए, कानून को अपने नियम याद दिलाने के लिए। कानून याद दिलाने के लिए यहाँ लोग जुटे हैं और ज्ञापन दिया है, बाकी इनकी मांगे हैं वो देखते हैं कहाँ तक पूरी होती है, कहाँ तक कानून अपना काम करता है। धन्यवाद। वहीं इस मामले में ग्रामीणों ने
डीएसपी अनुज डाल को भी ज्ञापन दिया है और इस मामले में पाटन थाना अधिकारी विक्रम सिंह से बात की गई तो इन्होंने कहा, विक्रम सिंह ने कहा कि पहले 3-4 रोज पूर्व 3 आरोपियों को भैंस चोरी मामले में, मवेशी चोरी मामले में गिरफ्तार कर लिया है और भी गिरफ्तारियां अभी करेंगे। तत्वरित कार्रवाई करते हुए हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था जिसमें 1 महिला थी और 2 पुरुष थे। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है, पूरी कार्रवाई करेंगे और ग्रामीणों की जो चोरी हुई है वह भी पशुधन बरामद करने की कोशिश करेंगे। आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी पाटन थाना पुलिस के नेतृत्व में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें झलको शेखावटी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें, मिलेगी ताज़ा खबरें। पत्रकार दीपक शर्मा के साथ एक रिपोर्ट ग्रामीणों की।